हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो है बिहार से जो है जो डीलेट करना चाहते हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप जो है जो जो स्टूडेंट इस डीलेट का करने के लिए इच्छुक हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा कि कब से वीडियो जो कब से जो है आप अपना जो है डीलेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में उसी के बारे में वही बताने वाला हूँ कि आप जो है डीलेट का फॉर्म जो है कब से जो है अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले जो है आपको किसी ब्राउज़र पे आ जाना है और वहाँ पे जो सरकारी वर्क डॉट कॉम जो है टाइप करना है। तो दोस्तों, मैं पहले ही टाइप किया हूँ तो वो स्क्रीन पे शो कर रहा है। तब सरकारी वर्क डॉट कॉम पर जाने के बाद जो है ये साइट खुलने के बाद जो आप पहला ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पर सरकारी वर्क जो है, इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप नीचे की तरफ जो स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको जहाँ पर जो दिखेगा ये सब ऐड आ रहा है यहाँ पे ऊपर में। दोस्तों, इस पर नहीं ध्यान देना है, आप जो है धीरे जो स्क्रॉल जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल आने के बाद करने के बाद जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म। तो दोस्तों, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो सारा डिटेल जो है आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप जो यहाँ दिया गया है बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पता चलेगा जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास और इस कैसे जो इसको अप्लाई कर सकते हैं और कब से जो ये अप्लाई होने वाला है, कितना एज रहेगा आपका, कितना फ़ी लगने वाला है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, देख सकते हो इस मेरे स्क्रीन पर जो है अप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म जो है नोटिफिकेशन, यानी जो है अभी जो है इसका डेट नहीं निकाला गया है, लेकिन जो है इसका कब से अप्लाई होगा ये डेट नहीं दिया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो है। इसका जो फ़ी जो है लगने वाला जो है आपका 900 रुपये जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए लगेगा, एससी एसटी और बीसी के लिए 700 रुपये लगेगा। आप जो है फ़ी जो है ऑनलाइन मोड से भी जो आप पे कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एज लिमिट जो दिया गया है दोस्तों, आपका मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए, यानी जो है 17 साल जो है होने के बाद ही जो है आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है नहीं शो कर रहा है अभी, इसके बारे में जो है बाद में जो है दिया जाएगा आपको। और इसमें जो फुल जो है एलिजिबिलिटी जो है आपका रहेगा, यानी क्वालिफिकेशन जो रहेगा आपका जो है पास्ट हायर सेकेंडरी प्लस टू लेवल, यानी जो है आप जो है 12th जो पास किए हैं तभी जो है इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, तभी जो है डीएलएड का फॉर्म जो है भर सकते हैं। आपका जो है प्लस टू जो है पास होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है 50% मार्क्स भी होना चाहिए। अगर 50% मार्क्स नहीं है आपका 12th में तो इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो है सब्जेक्ट भी दिया हुआ है यहाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है सब्जेक्ट जो दिया है जनरल हिंदी या उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस स्टडीज, जनरल इंग्लिश। ये कहने का जो इसमें मतलब है कि जो आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा इसमें जो है वो कितना कितना मार्क्स से जो है कौन कौन सब्जेक्ट का जो रहेगा वो आपका दिया गया है, तो आप दोस्तों जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो अप्लाई ऑनलाइन का जो जो दिख रहा है वो लिंक लाइव सून दिख रहा है, यानी अभी जो है इसका डेट जारी नहीं किया गया है, सिर्फ जो है आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो है फॉर्म जो है आने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को मेरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।